आते हम तेरे बिन की तरफ. तेरे बिन लिखने की क्या इंस्पिरेशन थी, आइडिया कहाँ से आया, क्यों आया? क्या आइडिया एक्चुअली, अब मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरी एक दोस्त की दोस्त समझ लें, उसके साथ ये हुआ था. ओके. कि उसको मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी एज में नहीं, लेकिन उसको मतलब जब वो कॉलेज में थी तो उसको पता चला था कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ. ओके. और फिर उसका मुझे उसने बताया, वो कितना रोई कितना वाया, लेकिन वो हो गया था कि वो तो इसको लेके फिर चली मैं कि भाई एक लड़की की क्या मिजरी होगी, क्या होगा अगर उसको, उसकी तो दुनिया उथल पुथल हो जाएगी कि यार ये मेरे माँ बाप नहीं है. और फिर उसके आगे रबिया, जो भी बंदा आएगा ना उसको उसका दुश्मन ही लगेगा अगर उसके खिलाफ जा रही बात. आप अगर एक बार मुझे मैं सीरियसली अपने लिए कहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपने हीरो को या अपनी हीरोइन को फील नहीं कर रहे ना, आपका नाम हिट नहीं होगा. ठीक है. नफरत में, मोहब्बत में, जेलसी में, माँ बाप के प्यार में, बहन भाई के प्यार में, जिस किस्म की भी जो भी फीलिंग है, अगर उसमें फील नहीं है, लिखते हुए फील नहीं है, लिखते हुए आपको उसका दुख महसूस नहीं हो रहा, वो चीज़ कभी हिट होगी नहीं. व्हेन आई राइट मुर्तसिम, सीरियसली मुझे उससे प्यार हो गया था कि यार वो शॉल है, वो शॉल मैंने लिखी है भाई, वो मैंने लिखी है. और उस पर मैंने एक सीन भी बनाया था कि वो इतनी ज़ोर से शॉल पीछे फेंकता है कि उसकी आंखों में लगती है, एक दो बार लिखती है और एक दिन वो पकड़ लेती है, बहुत हो गया. अच्छा. शॉल उतार दिया. अब वो सीन उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन ऐसे होता है. तो जो है वही बात कि मुझे लगा कि इस लड़की की क्या जर्नी होगी यार. आप देखिए, आंखें सिर्फ अंधेरा होगा कि यार पीछे भी कुछ नहीं बचा, आगे भी कुछ नहीं बचा, मतलब फिर वो कैसे एक्सेप्ट करेगी. उसमें अगर उसको आप एक उसमें एक और जुल्म कर दें, हाँ. कि आपकी शादी करवा रहे तो मतलब उसके तो सारे ख्वाब गए. उसको वकील बनना था, क्या डेस्परेट थी वो कि मैं वकील बनूंगी, मैं आपकी तरह वकालत करूंगी, मैं आपसे भी अच्छी वकील बनूंगी. और उसको अचानक से ये सब कुछ हो गया कि अब तुम्हें शादी करनी है. दूसरा, वो ये भी देखती है कि जो बंदा रुहैल है वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है. अब लड़की है, फोर्स अबाउट कोई भी लड़की है, उसको पता है ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है. तो नहीं आप इजहार के, कोई आपको पता नहीं मोहब्बत है, लेकिन आपको पता है, आपके सेंस में है कि ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है, मैं भी समथिंग है, थोड़ा सा आ जाता है. अब मुर्तसिम आ गया है वो बंदा, मैं भी आपको मैं सब कुछ क्लियर कर रही हूँ. तो मुर्तसिम आ गया है वो बंदा जिसको ये समझती है कि ये है ही ऐसा. इसने अपनी बहनों को सप्रेस किया हुआ है, भले उसको पढ़ाता है, लेकिन लाजमी है सर पे दुपट्टा रखा है. उनको कोई आज़ादी नहीं है, उनको अपनी राय कहने की आज़ादी नहीं है. इनके पास जाती है तो मुझे घुटन होती है कि ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो. ऊपर से ये अपनी हर जिद मनवाता है, हर कोई इसकी बात क्यों मानता है. अब ये नहीं है कि वो सही कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, वो एक्चुअली मैंने उसका बैकग्राउंड ये दिखाया है कि भाई वो एक है ही फ्यूडल बंदा. अच्छा, मुर्तजम पे हम आते हैं, पहले हम मीरब को कवर करते हैं. तो अच्छा, तेरे बिन नहीं, बारी बारी चलते हैं. पहले हम तेरे बिन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी जो आपकी दोस्त के साथ हुई और उसने आपको इंस्पायर किया कि मैं लिखूं. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब मीरब और मुर्तजम के कैरेक्टर्स लिख रही थी, उसके लिए कोई इंस्पिरेशन थी, आपने अपनी दोस्त को ही पकड़ा मीरब के लिए या किसी और जगह से आपने सोचा? वो तो बात तो वो सिर्फ एक जो पॉइंट थी ना, ये कि माँ बाप नहीं है वो. देखिए, मीरब और मुर्तजम के कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड है, वो ऐसे नहीं है कि बस ऐसे नहीं, दोनों मैंने क्वालिटीज हैं. हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कैसे क्रिएट किए आपने और ये क्यों डाली ये क्वालिटीज या किसकी किससे इंस्पायर होकर डाली? बिल्कुल. अच्छा, मीरब का जो था कि मीरब एक हक इंसाफ के लिए खड़ी होने वाली बंदी है. पहली बात तो वो, उसको पता है सारा कानून, उसका बाप भी वकील है, उसको सब कुछ पता है पाकिस्तानी औरत के क्या हकूक हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या हुकूम देती. तो पहला सीन ही था ये था कि वो अपनी काम वाली को कह रही थी, भाई तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लिए कितनी वसीयत है इस कानून में, इस लॉ में, और तुम क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड ले रही. तो वो ऐसी बंदी है. अब अगर आप ऐसे बंदे को ना सप्रेस करके एक चीज एक जगह पर रखना चाहें और आप उससे सब कुछ छीन लें और आप उसे कहें कि आज तुम्हें रहना ये है, तो फिर उसका किरदार चेंज होगा. चेंज क्या होगा? वो बागी बन गई. उसके अंदर एक गरज है, दुख है, गरज है. अब वो थोड़ा सा नफरत भी करने लगी है, लेकिन जो अगला बंदा है जो उसको मोहब्बत दे रहा है तो उसको भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि यार ये है तो अच्छा, यहाँ वहाँ से तो अच्छा ही मतलब लग रहा है. अब मैं कैसे इन्वॉल्व ना हूँ? जैसे इन्वॉल्व होने लगती है तो उसको वो याद आता है कि मेरे साथ हुआ जुल्म है, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई शादी, मेरी मर्ज़ी के मतलब मेरे बाबा माँ बाप नहीं है वो, मेरे साथ हुआ तो जुल्म है. तो उसके साथ करीब जैसे ही जाना चाहती है वो बैक स्ट्राइक करती कि नहीं, हुआ तो मेरे साथ जुल्म है, मैं क्यों उसको करूँ? और यही तो है, अगर ये इनकार कर देता तो ये शादी नहीं हो सकती थी ना. इसने हाँ किए तभी मेरे साथ ये हुआ है. तो ये इस झगड़े में है उसके साथ. शी नोज के मतलब उसको पसंद करती है, अगर एक चीज़ है वो मुझे पसंद है ये हुए, लेकिन मुझे पता है कि नहीं नहीं मेरा तो हर इल्ज़ाम इसी के सर. लेकिन मीरब का कैरेक्टर देख के मतलब लिखा कैसे आपने, क्या ख्याल है? कोई कोई
कैरेक्टर जो आपने पढ़ा हुआ था या आपने खुद उसकी क्वालिटीज बनाई मीरा को? मैंने एक बात मत यहाँ पढ़ी लिखी औरत को दिखाया। ओके राबिया, एक बार अगर आप दिखा देना कि मेरी हीरोइन हक इंसाफ के लड़की ने एक पढ़ी लिखी शहर की लड़की है, उसे ये है कि अगर मैं वो किसी को इंट्रोड्यूस करवा दें बाप से कि ये मेरा दोस्त है, तो वो सिर्फ दोस्त की हद तक है, उसके दिमाग में कोई ऐसा जो है ना चीज़ नहीं है, वो एक पुरतमान लड़की है, उसके आगे बढ़ने के सपने। जब मैंने ये किरदार बना दिया ना, तो अब मुझे थ्रू आउट द टाइम इसको ऐसे ही लेकर चलना था, जो भी इस पे वार होंगे वो अपनी तरफ से जवाब देगी, वो अपने जैसे ही वो किरदार है वो वैसे रहेगी, और यही किरदार की कामयाबी होती है कि वो थ्रू आउट द टाइम वैसा रहे। ओके ठीक है। और फिर जो वो इसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट में हम आएंगे, रुक जाए दिमाग में सबकी ये सवाल चल रहे हैं, रुक जाए रुक जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। सो ये बताएं, बहुत से ऑडियंसेस को मीरब थोड़ी सी बदतमीज़ लगती है, वो कहते हैं कि मीरब जो है बहुत खुदसर लगती है, और मीरब कहीं कहीं लिहाज से बात कर सकती है लेकिन नहीं करती है। तो हमें मीरब को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए और उसको ये दिखाने के लिए कि वो किसी के राइट्स के लिए बात कर सकती है, ज़रूरी था कि हम मीरब को इस तरीके से थोड़ा सा खुदसर और थोड़ा सा ऐसे बदतमीज़ी से बात करते हुए दिखाते? मैं फिर से फर्स्ट ली उसी ने, जब वो उसने अपने काम वाले के लिए स्टैंड लिया, आपको लगा वो वहाँ पर बदतमीज़ थी? लेकिन वहाँ पर जायज़ था। हाँ जायज़ था ठीक है। वहाँ पे जो लोग थे वो उनमें से कोई उसके घर वाला या उसका बड़ा नहीं था, और वो कोई विदाउट रीज़न नहीं कर रहा था। लेकिन राबिया, अगर उसका बाप जिससे वो प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, वो उसको कहे मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, आज से मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, अनिला तुम्हारी माँ नहीं है, ठीक है, तो मुझे बताएं वो क्या करेगी? एक बंदे का आप झगड़ा जो भी करने का अंदाज होगा, पढ़ा लिखा बंदा भी हो, लेकिन उसको अपने राइट्स के लिए थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करनी ही पड़ेगी। शी इज़ नॉट अब्यूज़र, गाली वाली नहीं देती, वो बदतमीज़ी इस लिहाज से नहीं करती कि किसी की डिसरिस्पेक्ट हो, वो सिर्फ ऐसे मुर्तसिम के लिए मुर्तसिम के साथ इसलिए करती है क्योंकि वो उसके साथ ज़िद में आ गई है। ओके, यू आर द पर्सन देन दिस हैपन, तुम्हारी वजह से ये शादी हुई है, तुम इनकार करते तो ये नहीं होता, तुम मेरा साथ देते तो ये नहीं होता। वो उसको कहने जाती तो है एक नौसी में कि तुम इनकार कर दो, तुम्हारी चलती है, तुम्हारा ये घर है तुम्हारी चलती है, तो वो कहता मैं क्यों करूँ, वो अपनी ही अकड़ में मैं क्यों करूँ, तो ये वो तबका है वो अब आ रहा है मीरब के अंदर। अच्छा, और दूसरा आप देखें, वो इस घर में आई है, अगर मैं कहूँ मुशान सही सवाल, अगर माँ बेगम उसके मुताबिक चलें तो सही रहेगी, लेकिन वो उनके बिल्कुल अपोजिट जाती है कि ए करो, जेवर पहनो, क्यों उठ के वली में तुमने डांस करना शुरू कर दिया, और अगर आप उसको बदतमीजी दिखाएंगे उसके वली में के डांस को, तो उसको ये पता है कि यार इन लोगों ने सब सारी छुरी मेरे ऊपर चला के, एक किरदार मेरे ऊपर चला के इन लोगों ने अपनी एक इज्जत की इमारत खड़ी कर दी है, मैं झुकने वाली नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। वो जो करके दिखाने वाला है ना, उसको मैं भी लोग बदतमीजी के एस्पेक्ट में तो रिबेल कर रही है, मुझे समझ आ रही है वहाँ तो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बदतमीज है, मुझे लगता है ये उसके अंदर का गर्ज है, ये उसका दुख है जो बाहर आता है, और अगर उसके मुताबिक चीज़ नहीं हो रही तो वो कहेगी कि हाँ मेरी मर्जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि मीरब का जो दुख है या उसकी जो बिटरनेस है वो हम सामने आते हुए देख रहे हैं। सिर्फ हमें ये सवाल जहन में आता है कि इंडिपेंडेंट औरत को, मैं आपको बदतमीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट और ये भी कि वो शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, एज़ कम्पेयर टू जो गाँव में माहौल होता है उसको ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर मिला हुआ है, उसको ज़्यादा बेहतर वैल्यूज़ का अंदाज़ है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या उसके बात करने का अंदाज इससे थोड़ा बेहतर नहीं होना चाहिए था? मुझे लगता है कि जो भी, अच्छा वो अपने काम वालों से या जो वहाँ पर स्टाफ है उनके साथ तो कोई बदतमीजी नहीं करी ना, हया उसको पिनअप करती है, जो चीज़ आप देखें आप ऐसे बंदे को जो पिनअप करेगा ना वो उस पर रिएक्ट करेगा। ठीक है अगर उसको मैं कह, उसको फोर्स वाज माँ बेगम कह दें कि चलो तुम जेवर पहन के इतना लद पद के चल के बैठो, वो कहेगी मैं ऐसी थी नहीं तो मैं ऐसी क्यों बनूँ, मैं ऐसी नहीं बनूंगी, ऐसी नहीं बनूंगी, क्यों आप बदतमीजी तो नहीं कह सकते ना, बस उसकी मर्जी है, मैं ऐसी नहीं। वो बार बार मुर्तसिम को कहती है मेरी मर्जी, मैं भी एक इंसान हूँ, तुमने मुझे कैद किया लेकिन मेरी मर्जी तो नहीं मरी, तो मुझे लगता है कि उसकी मर्जी है, उसका अंदर का दुख है, और ऐसे बंदे को आप कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ रिएक्ट तो करेगा। अब रिएक्शन बदतमीजी तो आई फील लाइक मैंने उसको कभी कहीं अब्यूज़र नहीं दिखाया, या वो अपने माँ बाप की या वो दुख में उनको कहती है कि आप कैसे बाप हैं, आपको तो पता ही नहीं है, मतलब क्या एहसास होना चाहिए माँ बाप से, तो मुझे नहीं लगता उसने बदतमीजी की है। बाकी माँ बेगम है एक रो बेस्ड औरत, और राबिया इस पे जो ये लोगों ने कहा है कि बुशरा अंसारी साहिबा का ये किरदार दिया है या ये किरदार ऐसा क्यों है, उसको तो पोलाइट होना चाहिए। हमारे ख़ानदान में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनसे हम भी इसी अदब लिहाज से बात करती हैं, आई नो माई बैकग्राउंड में भी मैंने ऐसे ही लिखा है, और आप देख सकते हैं जो उसका ड्रामे का एक वो है फ्यूडियट, तो वो ऐसे ही हम उनके सामने मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, उनके अदब में, सिर्फ अदब में कि बैठी हुई हैं उनके सामने क्या मोबाइल उठा के बात करना, उनके साथ अदब से बात करेंगे हाँ ना,
हमारे यहाँ है ये रिवाज. तो मे भी मैंने उस किरदार को बनाने में, बुशरा अंसारी साहबा के किरदार को बनाने में मैंने यही चीज़ ली. वो किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो चाहती है कि मेरे खानदान की, मेरे घर की बच्चियाँ, उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए, वो साफ़ सुथरी रहें, वो पढ़े लिखें. पढ़ाई लिखाई यहाँ जो हमारे मॉरल व्यूज़ है उस पर तो उसने कुछ नहीं किया ना. और वो उसको मुर्तसिम खान की बीवी देखती है, जानशीन की बीवी देखती है, तो वो कहती है तुम अपना मैयार ऐसा बनाओ. वो उसको अपनी गद्दी दे देती है कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हारी ये जगह है. गद्दी देने में ऑनेस्ट है वो, या वो गद्दी देने की साजिश है उसकी कि मुर्तसिम को? नहीं, वो ऐसे देखती है. मैं भी, मैंने एक दो सीन लिखे थे कि ये चीज अब मेरे हाथ से गई, लेकिन कुछ वो खुश है कि मुर्तसिम जो है बीवी है. अब ये ऑफकोर्स आगे जनरेशन में ये जाएगा, तो वो उसको अपने जैसा बनाना चाहती है कि ऐसी बनो, कैसे लोगों को डील करो. सुमा बेगम नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है. नो, शी इज नॉट. ओके.